हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बन्ना। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने मैरिज एनिवर्सरी की कुछ क्लिपें। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप इससे अपडेट रहें, तो मेरी आने वाली एक भी वीडियो आप सबसे मिस ना हो। सो फ्रेंड, मैं आप लोग को बता दूँ कि जिस दिन बाबू का सेकेंड वाला मुंडन था, उसी दिन हमारे मतलब शादी की सालगिरह थी 15 नवंबर को, और इसलिए हम लोग वहाँ पे मतलब ससुराल में मैं अपने वहाँ थी, वहाँ रियल ससुराल जो मेरा था वहाँ पे मैं थी। तो बाबू का मुंडन करवाना था और उसी दिन हमें निकलना था गोरखपुर के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी सुबह के टाइम में मतलब मुंडन करा के दोपहर तक से मतलब मुंडन करा लिए थे दोपहर तक, उसके बाद से हम लोग गोरखपुर के लिए निकल गए थे। तो मऊ से गोरखपुर का जो रास्ता होता है लगभग 3-4 घंटे का होता है, तो हम लोग शाम तक वही 7 बजे तक हम पहुँच आए थे मम्मी के वहाँ पे। तो हम लोग उधर से ही केक लेते आए थे, और इधर मेरी सिस्टर सब सारी तैयारियाँ मतलब कर ली थी। तो हम लोग यहाँ फ्रेश होकर फिर कपड़े चेंज कर लिए थे, तैयार होकर फिर हम लोग केक कटिंग मतलब करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग केक कटिंग करने जा रहे हैं, और ये बाबू देखो कितना एक्साइटेड है, उसे पता नहीं क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूँ 15 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। तो हमारे शादी को 3 साल हो गए, पूरे हो गए। तो मैं मतलब शादी के बाद ये मैं पहली बार मम्मी को वहाँ थी, तो हम लोग यहीं पे अपनी सालगिरह मतलब मना लिए हैं। और फिर इसके बाद से हम लोग पंजाब के लिए निकल जाएंगे 19 तारीख को। तो मैं यहाँ पे 2-3 दिन तक और रहूँगी, फिर उसके बाद से पंजाब के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए केक कटिंग हो चुकी है, और अब मैं सबको मतलब यहाँ पे केक खिलाऊँगी, फिर उसके बाद से हम लोग खाना वाना खाएँगे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर वीडियो बना रही है, और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे थे और साथ में मेरे फेस पे लगा दिए, और ये साइड में मेरा भाई बैठा हुआ है, और इस बगल मेरी मम्मी बैठी हुई थी। तो मैं मम्मी को भी मतलब केक खिलाऊंगी, और ये बाबू को देखो मतलब खिलाई हूँ। तो बाबू को सभी लोग बोल रहे थे कि तुम भी मम्मा पापा को खिलाओ अपने। तो यहाँ मैं एक एक करके सबको मतलब केक खिलाऊँगी।
तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा? आई होप कि आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। और मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो मतलब सबके साथ शेयर करना चाहिए, और छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, तो हमें मतलब सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी मतलब हो उस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।